लाइट तो अभी आ भी गई, लेकिन क्या करें, फोन में अभी चार्जिंग है कि पानी वाला जो टैंकी है ठीक है उसमें पानी नहीं है, तो मैंने पानी गर्म कर लिए इस बाल्टी में, ठीक है नहाएंगे, गर्मी है। ये जो डिवाइस है ठीक है, ये बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, नेट है नहीं इसमें, पता नहीं, पर यहाँ के कौवे बहुत बड़े बड़े, बहुत काले हैं यार ये, इसके देखे ना वो देखे ना वो क्या कहते हैं उसको, वो मुंह देखे कितना लंबा है, इससे नज़र भी तेज़ होता है पता है आप सबको। और अभी उस पहाड़ी को यहाँ से देख ले, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना गाइस, सूरज चला गया, कार में बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जियो बाबा जी, पार्टी करो, एंजॉय। अभी हम इस ऑफिस आए हैं ठीक है, यहाँ पे हमने वाईफाई लगा हुआ है, हमने वीडियोज वगैरह अपलोड कर दिए हैं ठीक है इंशाल्लाह। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ठीक है, और चलिए गाइस ब्लॉग स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड गुड आफ्टरनून। तो गाइस मेरे पास अभी नेट नहीं है ठीक है, और वीडियो मेरे पास पड़े हुए, ब्लॉग्स पड़े हुए, और ये किसी दूसरे ऑफिस में जाके वहाँ पे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज आई एम सो सैड टुडे बिकॉज वाईफाई नहीं है, तो वाईफाई के बगैर नेट नहीं है, इसके बाद तो काम चलता नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कहीं पे ही पड़ा है भाई, अब ये काम नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे, जगह आपके पास दोस्त भी ना हो, आप अकेले रहते हैं वहाँ पे, आपको बोरिंग नहीं होगी तो और क्या होगी यार। वैसे मुझे ये बताएं, सुबह से लेकर अभी तक मुझे सिर्फ यही परेशानी हो रही है यार कि मैं क्या करूँगा, नेट है नहीं, कोई पास भी नहीं जिससे बंदा बात करे ठीक है, तो काम करके बंदा क्या करेगा यार। लाइट तो अभी आ भी गई, लेकिन क्या करें, फ़ोन में अभी चार्जिंग है कि पानी वाला जो टैंकी है ठीक है उसमें पानी नहीं है, तो मैंने इंस्ट्रक्टर वाले को कॉल किया कि हाँ यहाँ पे आए और टैंकी में पानी भर के चले जाएँ, तो ये पहले यहाँ पे आएंगे, उसके बाद इधर आएंगे, हमारे साइड पे आएंगे। आजकल धूप इतना तेज़ है माशाल्लाह कि गर्मी शुरू हो गई है भाई माशाल्लाह, यहाँ पे ये काम हो रहा है सारा दिन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ पे, इस वालों ने काम शुरू किया इस ऑफिस वालों ने, लेकिन हमने अभी तक काम शुरू नहीं किया। दूसरी बात ये कि यार ये रोड जो है ना, रोड की सफाइयाँ हो रही हैं भाई, रोड की सफाइयाँ, काम है लोगों को ब्लॉग में लेकर आना। क्या करूँ यार, ब्लॉग कर, ब्लॉग ना करूँ तो आई मीन फील नॉट गुड। मैंने पानी गर्म कर लिए इस बाल्टी में ठीक है, नहाएंगे, गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, पता नहीं क्यों लेकिन गर्मी शुरू हो गई है यार सच में। ट्रैक्टर वहाँ से आज चला जाएगा ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आराम से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये जो डिवाइस है ठीक है, ये बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, नेट है नहीं इसमें, इंसान के पास नेट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक तो बंदा कहीं जा भी नहीं सकता ना, आपके पास दोस्त है जिससे बंदा बात करे ना, कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, इसमें नेट भी नहीं है, तो फिर दूसरे ऑफिस जाएंगे, फिर दूसरे ऑफिस जाते हैं और वहाँ से वीडियोस अपलोड वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो ज़रूरी है और ये तो करना पड़ेगा, वक्त भी हो जाएगा, देखेंगे इंशाल्लाह। करा रहा है भाई, टैंक करा रहा है, अभी हमने टैंकी भर दी है ठीक है, अभी हर चीज़ में अब लोगों को दिखा तो नहीं सकते ना, अब लोग बोलेंगे भाई पानी भरे कहाँ भरा है, भर दिए बस ख़त्म, ट्रैक्टर आ गया है, पता नहीं पर यहाँ के कौवे बहुत बड़े बड़े, बहुत काले हैं यार ये, इसके देखे ना वो देखे ना वो क्या कहते हैं उसको, वो मुंह देखे कितना लंबा है। पहाड़ी इलाका, पहाड़ी 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 पहाड़ी, ये आबादी इलाका है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे गांव में, वहाँ से लोड करते हैं बाइक को, आबादी यहाँ पे शॉप है ठीक है, आगे वहाँ से लोड करते हैं, उसको इमरजेंसी है और मैं चाहता हूँ कि उसको लोड कर लूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। क्या ग्रीनरी है यार, मज़ा आता है इसको देख के, इससे नज़र भी तेज़ होता है पता है आप सबको। इस पहाड़ी को यहाँ से देख ले, और अभी उस पहाड़ी को यहाँ से देख ले, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, वहाँ से तो जगह ऊपर भी है और यहाँ से देखें ये बहुत ज़्यादा नीचे। अभी मैंने बाइक को लोड कर लिया है ठीक है, अभी मैं भी जो ना फ्रेश होता हूँ, वजू करता हूँ, खाना वगैरह खाएंगे इंशाल्लाह। अभी असर का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त होने वाला है, सूरज डूब गया है, यहाँ से माशाल्लाह व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है गाइस, सूरज चला गया, अब ये ऊँट कहाँ जा रहा है इंशाल्लाह, ये पहले इंजीनियर ने तैयार किया, अभी आर्किटेक्चर ने तैयार किया, बैक साइड पे पानी वाला टैंकी है। दिन को इतनी गर्मी होती है बंदा कहता है कि मैं क्या करूं, शाम को इतनी सर्दी होती है बंदा कहता है कि मैं क्या करूं। चल रहे हैं मतलब, अभी हम इस ऑफिस आए हैं ठीक है, यहाँ पे हमने वाईफाई लगा हुआ है, हमने वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर दिए हैं ठीक है इंशाल्लाह, हमारा काम तो हो गया है।
बस अभी काम है जाने का, अभी वहाँ पे सीनान है, यहाँ पे ठीक हो गया है, भाई काम कर रहे हैं। नमाज़ तो हमने पढ़ी नहीं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत सारा काम बाकी है इंशाल्लाह। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है ठीक है, और वीडियो जितने ना वो मैंने अपलोड कर लिए ठीक है। दूसरे ऑफिस आया था वहाँ पे मैंने यूट्यूब वीडियो ब्लॉग वगैरह अपलोड कर लिए, सारा काम कर लिए, अपडेटिंग वगैरह कर लिए सब कुछ। अभी वहाँ पे जाते हैं वापस, बात है यहाँ से क्या नज़ारा नज़र आ रहा है भाई। नमाज़ पढ़ ली है ठीक है, मेरे पास दोस्त हैं उनसे इजाज़त लेते हैं और जाते हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉग वगैरह अपलोड कर लिए। दूसरे ऑफिस में आया था, ब्लॉग अपलोड कर लिए, नेट का काम सारा कर लिया क्योंकि वहाँ पे नेट ख़राब हो गया और यहाँ पे नेट चल रहा है इनका वाईफाई ठीक है, तो यहाँ से कर लिए। अभी वहाँ चलते हैं, कार में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जियो बाबा जी, पार्टी करो, इन्जॉय, चिल चिल अमेजिंग। सो फाइनली गाइस मैंने रोटी वगैरह भी ले ली है ठीक है अपने साथ, वहाँ ऑफिस से निकला हूँ और हम आराम से जाएंगे पैदल दूसरे ऑफिस, वॉक भी हो जाएगी। अभी मैं आराम आराम से जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ ठीक है, वॉक भी हो जाएगी क्योंकि सारा दिन फिर उधर ही बैठना पड़ता है। दूसरे ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर ली हैं, अभी आराम सुकून से जा रहे हैं ठीक है। तो मैं वैसे थक चुका हूँ यार कि ब्लॉग को देख लिख के लाइक किया करें और कमेंट किया करें, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। ये सामने पार्क है गाइस, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे आके वर्कआउट कर सकूँ, सीरियसली आजकल इतना टाइम नहीं है, बस ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जिधर भी जा रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, बाजार में भी जा रहा हूँ तो भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरे ऑफिस से आया हूँ ठीक है, जैसे ये हूँ कोई बंदा भी ये टेबल और चेयर अंदर नहीं लेकर गए, कितनी अफसोस की बात है, मैं ही आया हूँ तो मैं ही अंदर करूँगा भाई। हम जिम्मेवार बंदे हैं, बाकी तो सब अपने अपने, वो तो बादशाह लोग हैं, उन वो जाने उनका काम जाने, ये तो उनका काम है ही नहीं ना कि ये अंदर से बाहर से अंदर लेके जाएँ। तो माशाल्लाह गाइस मैं रोटी खा रहा हूँ ठीक है, सालन वगैरह मेरे पास, ये चाय है ठीक है, और ये हेडफोन वगैरह, ये हम गरीबों के हिसाब किताब के डायरी है ठीक है, हम इसमें लिख देते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना हिसाब हुआ है। ये फिर कंपनी की तरफ से, मतलब कि ये सब कुछ कंपनी हमें दे रही है, अल्लाह कंपनी वालों को इज्जत दे, खुशी दे ठीक है। बाकी ये है कि जब हम बोरियत हो जाते हैं, कभी ट्रैफिक वगैरह हो जाते हैं ठीक है, या कभी ज़्यादातर ट्रैफिक होता है, शोर होता है, नॉइस होता है, तो उस टाइम पर ये हम हेडफोन वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ हमारे पास है नहीं, ब्लूटूथ इस वजह नहीं है, इतने हरामी दोस्त होते हैं हमारे पास ठीक है, कहते हैं यार दिखा दे ज़रा ब्लूटूथ एयरपोर्ट, तो फिर वो ले लेते हैं, फिर हम ऐसे रह जाते हैं। ये हम फिर गरीब लोग हेडफोन यूज़ करते हैं, तो खाना खा लेते हैं और फिर देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या हालात है। गवार यार मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है मुझे यार, सच में बहुत ज़्यादा। अपने पास रख लिया करें जो भी चीज़ आप लिखते हैं, जो भी आप खर्च करते हैं, या कोई अपने लाइफ लव स्टोरी, असफरुल्ला लव स्टोरी, दिन में आपने जो जो किया वो लिख दिया करें, और आगे फ्यूचर के लिए, मतलब कि कल मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है ठीक है, तो इससे आप लोगों की माशाल्लाह फ्यूचर का जो सक्सेस है वो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये कि कल आप पिछले साल के जो आपके पास डेयरी वगैरह होगी वो आप देखेंगे, तो आप लोगों को मज़ा आएगा कि यार इस साल मैंने ये किया, या मैंने ये किया, या मैंने ये करा था ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा। फिर आप अपने बच्चों के साथ और अपने मतलब नाना पोते वगैरह, सॉरी पोते पोतियाँ, उनको बताएंगे कि हाँ मैंने ये करा था, मैं ये करा था। वैसे मेरे पास तो प्रूफ है, कहेंगे मेरे पास तो ब्लॉगिंग है भाई, मैं तो दिखाऊंगा भाई, मेरे चैनल देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसी थी आप लोगों की जवानी, बाई की जवानी। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ठीक है, और मगरिब की नमाज़ तो हमने पढ़ ली है, हम दूसरे ऑफिस में रात की नमाज अभी पढ़ेंगे, 8 बज गए ठीक है, आसान नमाजें तो हो गई है, लेकिन अभी हम नमाज़ पढ़ते उसके बाद खाना खाएंगे इंशाल्लाह। एडिटिंग हमें बाकी है ठीक है, एक और खुशखबरी ये है, लेकिन गर्मी भी आ गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं, हीटर ठीक हो गया ठीक है, अब इसके दोनों चल रहे हैं ठीक है, दोनों चल रहे हैं, और लेकिन अभी ये यार मौसम गर्म हो गया, अभी इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कि इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत उस टाइम नहीं होती, लेकिन जब उसको ज़रूरत ना होना तो फिर वो सामने आ जाता है, ये हर बंदे के साथ ज़्यादातर मेरे ख्याल से होता है। लेकिन बस ये इंशाल्लाह की दुआओं में याद रखिएगा ठीक है, कमेंट कर दिया करें ठीक है, लाइक किया करें ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय। तो गाइस देखने के लिए शुक्रिया, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।